वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 14 से जुड़ी हुई एक और धमाकेदार और एक्सक्लूसिव खबर के साथ एक बार फिर हम आप सभी दर्शकों के सामने हाजिर हैं। आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल क्विक टीवी न्यूज सबसे पहले आप सभी दर्शकों के सामने ये न्यूज लेकर आया था कि राहुल वैद्य बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़कर वॉकआउट करने वाले हैं। वो बिग बॉस सीजन 14 के घर में नजर नहीं आएंगे और साथ ही साथ इनके इविक्शन से जुड़ा हुआ जो इंटरव्यू भी है हमने ही सबसे पहले आप सभी दर्शकों के साथ शेयर किया था। अब एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, राहुल वैद्य बहुत ही जल्द बिग बॉस सीजन 14 के घर में नजर आएंगे, ये खबर निकल कर सामने आ रही है। और साथ ही साथ राहुल वैद्य जो हैं इविक्शन के बाद जो है उनका पहला रिएक्शन सामने आ गया है। राहुल वैद्य ने किसे थैंक्स कहा है और साथ ही साथ क्या बोल रहे हैं राहुल वैद्य और साथ ही साथ उनका जो बिग बॉस सीजन 14 में जो जर्नी है उन पर उनका क्या रिएक्शन है, आइए हम आपको बताते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट में यही बात पूरे विस्तार से। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये एक्सक्लूसिव न्यूज़। सबसे पहले हम आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि राहुल वैद्य जब इविक्ट होकर बिग बॉस सीजन 14 के घर को छोड़कर गए थे तब उनके फैंस ने भारी भरकम जो है वो डिमांड कर डाली शो के मेकर्स पर और साथ ही साथ शो के मेकर्स से वो ये कहने लगे कि राहुल वैद्य अगर नहीं रहेंगे तो हम बिग बॉस सीजन 14 भी नहीं देखेंगे। और साथ ही साथ खैर वो अलग बात है और साथ ही साथ राहुल वैद्य के इविक्ट होने के बाद राहुल वैद्य का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। राहुल वैद्य ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जितने लोगों ने भी सपोर्ट किया, उनका एक सपना था बिग बॉस सीजन 14 के घर में आने का और साथ ही साथ वो आए थे और साथ ही साथ पूरे शिद्दत के साथ वो खेले, इस पर उनको उनके फैमिली वालों को उन पर नाज है और साथ ही साथ उनके फैंस को भी उन पर नाज है और साथ ही साथ तमाम फैंस को और साथ ही साथ उनके करीबियों को, उनके फैमिली वालों को, उनके अपनों को, उनकी गर्लफ्रेंड को वो थैंक्स कहते हुए नजर आ रहे हैं राहुल वैद्य। और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि बिग बॉस सीजन 14 में जितना भी जर्नी उन्होंने बिताया वो जर्नी जो है वो काफी लाजवाब था, काफी रोलर कोस्टर जो है उनकी जर्नी थी और साथ ही साथ इस रोलर कोस्टर की जर्नी बनकर उन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगा, ये सब कह रहे हैं राहुल वैद्य। बेसिकली राहुल वैद्य अपने फैंस को, अपने फैमिली वालों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड, सारे के सारे लोगों को थैंक्स कह रहे हैं एक पोस्ट के जरिए ट्विटर पर, ये एक पोस्ट उन्होंने शेयर किया। वेल दोस्तों, इस खास खबर में बस इतना ही, तब तक ले बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट।